अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको याद होगा हम लोगों ने चैप्टर टू स्टार्ट किया था कंज्यूमर्स बिहेवियर थ्योरी। आप लोगों को याद होगा मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी कि कंज्यूमर्स बिहेवियर थ्योरी जो है हमें दो अप्रोचेस से पढ़नी है। एक अप्रोच हमारी कहलाती है कार्डिनल अप्रोच और दूसरी अप्रोच हमारी कहलाती है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच ओल्ड अप्रोच भी कहलाती है जो कि प्रेजेंट की थी अल्फर्ड मार्शल ने, और ऑर्डिनल अप्रोच प्रेजेंट किए जे आर हिक्स ने, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो कार्डिनल अप्रोच में जो सबसे ज्यादा वर्ड हमें यहां पर डिस्कस करना है इस पूरे चैप्टर के अंदर, दैट इज द वर्ड यूटिलिटी। ये वर्ड यूटिलिटी जो है, पहले इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, व्हाट इज मीन बाय द वर्ड यूटिलिटी। तो यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को मैंने दोनों तरीकों से एक्सप्लेन किया हुआ है, एक ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट या ऑर्डिनरी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट और एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को पहले भी एक बात बताई थी कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वाइडली डिस्कस किया जाता है या ब्रॉडली जो है वो डिस्कस होता है। तो पहले जरा कंपैरिजन के फॉर्म में भी देख लें, एक जनरल कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते हैं और इकोनॉमिक्स क्या कहती है यूटिलिटी के हवाले से उसको भी डिस्कस करते हैं। तो यूटिलिटी इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट यहां पर लिखा हुआ है, इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस और एडवांटेजियस और बेनिफिशियल। मतलब कि अगर इन तीनों वर्ड्स को आप ऑब्जर्व करो, यूजफुलनेस, एडवांटेजियस या बेनिफिशियल, तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि वर्ड यूटिलिटी सिर्फ एक ही सेंस में यूज हो रहा है कि फायदेमंद। मतलब सिर्फ आप फायदेमंद पर्पस के लिए, फायदेमंद कॉन्सेप्ट के लिए वर्ड यूटिलिटी को तो इस्तेमाल कर सकते हो, किसी और पर्पस के लिए इस वर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इकोनॉमिक्स, जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि इकोनॉमिक्स जो है इसको थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्कस करता है। इकोनॉमिक्स क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स इट इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना है, दैट इज एनी प्रोडक्ट। इट इज द पावर और कैपेसिटी, किसी भी चीज की ताकत जो इंसान की ख्वाहिश को पूरा कर दे, उस पावर को, उस कैपेसिटी को हम कहते हैं यूटिलिटी। मैंने वर्ड यूज किया किसी भी चीज की ताकत, किसी भी चीज की पावर और कैपेसिटी जिससे भी इंसान की ख्वाहिश पूरी हो जाए, वो वर्ड कहलाए, उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वर्ड यूटिलिटी का। अब पावर ऑफ एनी प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट में मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं कि भाई इस वक्त मुझे बहुत शदीद प्यास लग रही है, अगर इस वक्त मुझे शदीद प्यास लग रही है तो इसका मतलब यह है कि पानी के अंदर मेरे लिए यूटिलिटी मौजूद है। मैं पानी पीऊंगा, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और उससे मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसके लिए मैं टर्म यूज कर रहा हूं यूटिलिटी। मुझे इस वक्त अगर भूख लग रही है तो मुझे खाना खाना है, और खाने के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मेरे लिए यूटिलिटी मौजूद है। तीसरी एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि लेट्स अज्यूम मुझे इस वक्त स्मोकिंग की नीड हो रही है, अगर मुझे स्मोकिंग की नीड हो रही है, मुझे स्मोकिंग करनी है, तो मेरे लिए सिगरेट के अंदर यूटिलिटी मौजूद है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स मेरे लिए सिगरेट के अंदर यूटिलिटी मौजूद है, क्योंकि यहां पे मैंने अभी आपसे कहा कि इट इज अ पावर ऑफ एनी प्रोडक्ट विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, किसी भी चीज की ताकत जो इंसान की ख्वाहिश को पूरा कर दे। मुझे इस वक्त ख्वाहिश हो रही है कि मुझे सिगरेट पीनी है, तो सिगरेट के अंदर मेरे लिए यूटिलिटी मौजूद है। नाउ कंपेयरिंग द बोथ कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी जो ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट में है, यूटिलिटी वर्ड का मतलब जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, यूटिलिटी वर्ड का मतलब जो इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स कह रही है किसी भी चीज की ताकत, ऑर्डिनरी लैंग्वेज कह रहा है कि सिर्फ फायदेमंद चीज है। अभी मैंने कहा पानी के अंदर यूटिलिटी मौजूद है, कंपेयर करो तो फायदेमंद भी है, और बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो उसके अंदर वांट सेटिस्फेक्शन भी है। मैं कह रहा हूं भूख लग रही है, तो भूख लग रही है मतलब ये कि मैं कोई चीज खाऊंगा, खा रहा हूं तो इसका मतलब ये कि मेरे लिए फायदेमंद भी है, उसके अंदर ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी यूटिलिटी है और इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी यूटिलिटी है। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि मुझे सिगरेट की नीड हो रही है, तो सिगरेट की नीड के हिसाब से सिगरेट के अंदर यूटिलिटी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट से तो है, लेकिन ऑर्डिनरी लैंग्वेज के हिसाब से सिगरेट मेरे लिए यूजफुल नहीं है। दैट मींस के इकोनॉमिक्स जो है वो वर्ड यूटिलिटी को बहुत ज्यादा ब्रॉडली डिस्कस करता है। मोर ओवर इसी वर्ड यूटिलिटी को अगर आगे की तरफ आगे लेके चले अगर, तो ये जो वर्ड यूटिलिटी है या ये यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, आई होप कि इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स।
यूटिलिटी वेरी करती रहती है, यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम, यूटिलिटी चेंज होती रहती है, पर्सन टू पर्सन भी चेंज होती है और टाइम टू टाइम भी चेंज होती रहती है। अब मैं आपको ये दोनों बातें एग्जाम्पल से भी जो है वो क्लियर कर देता हूं, यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम। तो अगर बात करें पहले टाइम टू टाइम यूटिलिटी की, तो फॉर एग्जाम्पल इस वक्त आप लंच करके बैठे हुए हैं, आपने पेट भर के खाना खाया हुआ है और इस वक्त आपके सामने अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा आ जाए जो खाने पीने खाने का प्रोडक्ट है आपके सामने रख दिया जाए, तो डेफिनेटली आपको इस वक्त वो प्रोडक्ट खाने की नीड नहीं होगी। दैट मीन्स कि इस वक्त इस प्रोडक्ट के अंदर आपके लिए यूटिलिटी मौजूद नहीं है। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर आपके सामने दो या तीन घंटे के बाद रख दिया जाए, जिस वक्त आपको भूख लग रही होगी, तो उस वक्त उस प्रोडक्ट के अंदर आपके लिए यूटिलिटी मौजूद होगी। जैसे मैंने कहा ना, यूटिलिटी चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। तो देखिए, अभी आपके लिए यूटिलिटी मौजूद नहीं है, लेकिन दो घंटे के बाद इसी प्रोडक्ट के अंदर आपके लिए यूटिलिटी मौजूद होगी। बिल्कुल इसी तरह मैंने आपसे कहा कि यूटिलिटी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन भी। पर्सन टू पर्सन कैसे वेरी करती है? फॉर एग्जाम्पल, इसकी भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई इस वक्त आपके लिए उस प्रोडक्ट के अंदर यूटिलिटी मौजूद नहीं है क्योंकि आपको भूख नहीं लग रही, लेकिन यही प्रोडक्ट अगर आप किसी ऐसे शख्स के सामने रख दें जिसको इस वक्त भूख लग रही है, तो उसके लिए इस प्रोडक्ट के अंदर यूटिलिटी मौजूद है। वो जब इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को खाने से उसकी वांट जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि यूटिलिटी वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम। इसी यूटिलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स भी हैं। सो लेट्स डिस्कस विद द एस्पेक्ट्स ऑफ द यूटिलिटी। मैंने आपके सामने ये कुछ नाम लिखे हुए हैं, दैट इज इनिशियल यूटिलिटी, पॉजिटिव यूटिलिटी, जीरो यूटिलिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, देन टोटल यूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी से लेकर मार्जिनल यूटिलिटी तक के कॉन्सेप्ट को मैं अभी आपको पहले थ्योरेटिकल बता रहा हूं, देन फिर मैं आपको यही सारे कॉन्सेप्ट, इन तमाम चीजों के कॉन्सेप्ट, इन तमाम एस्पेक्ट्स के जो कॉन्सेप्ट है उनको एक टेबल और ग्राफ की मदद से भी फिर एक्सप्लेन करूंगा। मैं तमाम एस्पेक्ट्स को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल कोई सी भी हो सकती है, बहुत कॉमन सी किसी भी चीज की कंजम्पशन से रिलेटेड आप एग्जाम्पल ले लो तो आपको बहुत इजीली जो है ये कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इनिशियल यूटिलिटी से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल जो बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मुझे बहुत शदीद जो है वो भूख लग रही है, बहुत शदीद जो है वो प्यास लग रही है, या आप उस कॉन्सेप्ट को ले लीजिए जो इफ्तार के टाइम का वक्त होता है, जिस वक्त आपको बहुत शदीद प्यास भी लग रही होती है और आप इंतजार कर रहे होते हैं कि जैसे अल्लाह अकबर की आवाज आएगी और आप फौरन से जो है वो पानी और शरबत जो है वो पीना शुरू करते हैं। तो जो पहला यूनिट आप कंज्यूम करते हैं, जो सबसे पहला यूनिट आप कंज्यूम करते हैं, जो पहली अजान की आवाज के साथ आप पानी का एक गिलास पीते हैं, या आप बहुत शदीद भूख के आलम में जो पहला यूनिट आप कंज्यूम करते हैं, उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी, इब्तदाई अफादा। उर्दू में यूटिलिटी वर्ड के लिए अफादा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इनिशियल, इब्तदाई। तो पहले यूनिट की सेटिस्फेक्शन, फर्स्ट सेटिस्फेक्शन, तो मैंने कहा इनिशियल यूटिलिटी। तो मैंने कहा कि पहले यूनिट की जो भी सेटिस्फेक्शन होती है, या पहले ग्लास की जो भी सेटिस्फेक्शन होगी, उस यूटिलिटी को हम क्या कहेंगे? इनिशियल यूटिलिटी। लेकिन जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, जैसे कि शदीद भूख मैंने कहा, या मैंने कहा शदीद प्यास का आलम है, या जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि इफ्तार के टाइम का जो वक्त है उस टाइम पे जो है वो आपको बहुत शदीद प्यास लग रही होती है और एक गिलास आपके लिए इनफ नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं? फौरन से दूसरा गिलास भी पीते हैं, तीसरा गिलास भी पीते हैं, या दो तीन गिलास पानी के पीते हैं, या एक यूनिट अगर आपके लिए इनफ नहीं होता पेट भरने के लिए, तो फिर आप क्या करते हैं? दूसरा यूनिट कंज्यूम करते हैं, तीसरा यूनिट कंज्यूम करते हैं। तो कंटिन्यूअसली जब आप यूनिट्स कंज्यूम करते चले आ रहे हैं, तो हर यूनिट से आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती चली आ रही है। पहले यूनिट की सेटिस्फेक्शन, दूसरे यूनिट की सेटिस्फेक्शन, तीसरे यूनिट की सेटिस्फेक्शन, या पहले ग्लास को जो आपने पिया उससे आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरे ग्लास से सेटिस्फेक्शन मिली, तीसरे ग्लास से सेटिस्फेक्शन मिली, तो हर ग्लास से जो सेटिस्फेक्शन मिलती जा रही है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव यूटिलिटी। पहले यूनिट, पहले ग्लास की यूटिलिटी को हमने क्या कहा था? इनिशियल यूटिलिटी। इसके बाद जो कंटिन्यूअसली आपने ग्लासेस
पिए या कुछ यूनिट्स कंज्यूम किए, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिली वो आपके क्या कहलाती है, पॉजिटिव यूटिलिटी कहलाती है। लेकिन तीसरा ग्लास पीने के बाद लेट्स अज्यूम कि अब आपको पानी की नीड नहीं है, या ये कह लो कि इसके बाद जो आपने कंज्यूम यूनिट कंज्यूम किया उससे आपकी सेटिस्फेक्शन के लेवल पे कोई फर्क नहीं आया। तीसरा यूनिट जो कंज्यूम किया था और चौथा यूनिट कंज्यूम किया, दोनों का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है। चौथे यूनिट को कंज्यूम करने से आपके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह हो गया कि चौथे यूनिट की जो सेटिस्फेक्शन है दैट बिकम्स जीरो, जीरो यूटिलिटी आपका पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन है, आपको मजीद अब इस यूनिट की जरूरत नहीं है। द फोर्थ वन इज द टोटल यूटिलिटी। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है टोटल यूटिलिटी का, इसमें कोई बड़ी केमिस्ट्री मौजूद नहीं है। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि अभी तक आपने जितने यूनिट्स कंज्यूम कर लिए हैं फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट टिल द फोर्थ यूनिट, अगर आपने चार यूनिट्स कंज्यूम किए तो पहले यूनिट से लेके चौथे यूनिट तक आपको जितनी सेटिस्फेक्शन मिली है उन तमाम सेटिस्फेक्शन का अगर आप टोटल कर लोगे दैट विल बी कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। देन द नेक्स्ट वन इज द नेगेटिव यूटिलिटी। नेगेटिव यूटिलिटी नाम से समझ में आ रहा है कि आपकी जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव साइड पे जा रही है। नेगेटिव क्यों जाएगी? ओवर ईटिंग, ओवर कंजम्पशन, आसान लफ्जों में अगर समझाऊं तो, अगर आप कभी ओवर कंज्यूम कर लेते हो किसी भी चीज को तो उस ओवर कंजम्पशन की वजह से आपकी तबीयत थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से आपकी तबीयत जो डिस्टर्ब हो रही है, तो आपने जो कुछ भी एक्स्ट्रा कंज्यूम किया जिससे आपकी तबीयत में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उसकी सेटिस्फेक्शन आपकी क्या कहलाएगी? नेगेटिव यूटिलिटी कहलाएगी। एंड द लास्ट वन मार्जिनल यूटिलिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर। ये वर्ड मार्जिनल यूटिलिटी जो है बार बार रिपीट होगा, तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, इसमें कोई आपकी कंफ्यूजन बाकी नहीं रहनी चाहिए। मार्जिनल, पहले सिर्फ वर्ड मार्जिनल को समझे, देन इसके बाद इसके अंदर वर्ड यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को एड करेंगे। मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? एडिशनल। मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या है? एडिशनल, मतलब के हर नेक्स्ट यूनिट के लिए मैं वर्ड मार्जिनल यूज कर रहा हूं। अब मार्जिनल के साथ वर्ड यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट इंक्लूड करो। हमने कहा कि सेटिस्फेक्शन मतलब के मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? एडिशनल यूनिट से जो कुछ भी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, हर नेक्स्ट यूनिट से आपको जो भी सेटिस्फेक्शन मिलती जा रही है दैट विल बी कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैं पहला दूसरा तीसरा यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, तो हर नेक्स्ट यूनिट की जो इंडिविजुअल यूनिट की जो सेटिस्फेक्शन होगी, हर इंडिविजुअल यूनिट की सेटिस्फेक्शन को हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। हर एडिशनल यूनिट की सेटिस्फेक्शन को हम क्या कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। आई होप के इन तमाम कॉन्सेप्ट्स में आपको कोई अब कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहा होगा। एक बार फिर से रिव्यू कर लें, हमने कहा यूटिलिटी का जो मकसद है वो है वांट की सेटिस्फेक्शन, आप किसी भी चीज की ताकत जो इंसान की ख्वाहिश को पूरा कर दे। ठीक है, अब इन तमाम चीजों को, इन तमाम एस्पेक्ट्स को मैं आपको जो है समझाऊंगा टेबल और ग्राफ की मदद से। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ द टेबल एंड ग्राफ। तो मैंने आपसे कहा कि ये तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलिटी को अब हम लोग जो है वो टेबल और ग्राफ की मदद से जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आपके सामने एक अदद टेबल बराबर आ रहा है, फिलहाल से आप टेबल को फोकस करेंगे। पहले मैं इस टेबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, देन इसके बाद हम लोग जो है वो ग्राफ के एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। आपके सामने सब तीन कॉलम नजर आ रहे हैं, दैट इज द यूनिट्स कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। मैंने आपसे कहा कि किसी भी यूनिट की सेटिस्फेक्शन को हमने यूटिलिटी कहा है। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने कहा कि हर इंडिविजुअल यूनिट की सेटिस्फेक्शन को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, और टोटल यूटिलिटी मैंने कहा कि समीशन ऑफ ऑल द यूटिलिटी। तो पहले जरा इस टेबल को देखो, लेट्स अज्यूम कि जो मैंने पहला यूनिट कंज्यूम किया है उस पहले यूनिट की जो कंजम्पशन हुई उस कंजम्पशन से मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है, दैट इज सिक्स यूटिल्स, छह यूटिल्स मुझे जो वो अवेल हुए हैं। इस वक्त मैंने सिर्फ एक ही यूनिट कंज्यूम किया है, सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट, एक यूनिट। मैंने कहा था कि एक यूनिट इंडिविजुअल यूनिट की जो सेटिस्फेक्शन है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो लुक एट दैट, मैंने देखो उसको कहां पे लिख दिया, सिक्स यूटिल्स जो मुझे दिए हुए हैं मैंने लिख दिया उसको मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जो कि समीशन है यूटिलिटीज का, तो इस वक्त सिर्फ एक ही यूनिट कंज्यूम हुआ है, तो उस यूनिट की सेटिस्फेक्शन को मैंने मार्जिनल में भी लिखा और टोटल में भी लिख दिया, क्योंकि अभी तक मुझे टोटल सिर्फ इतने ही यूटिल्स मिले।
बुक लग रही थी, दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, जैसे ही मैंने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया मेरी जो अगले यूनिट की सेटिस्फेक्शन है दैट इज 4। अब यहां पे 6 क्यों है, यहां पे 4 हो गई, यहां पे 6 थी, यहां पे 4 क्यों हो गई। तो एक बहुत ऑर्डिनरी सा कॉन्सेप्ट है, जब आप किसी भी चीज को कंटिन्यूअसली यूज करते हो तो पहले यूनिट की कंजम्पशन से यूटिलिटी हमेशा या सेटिस्फेक्शन हमेशा ज्यादा मिलती है और दूसरे यूनिट से आपको सेटिस्फेक्शन कम मिलती है। यह एक लॉ भी है जो कि इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को डिलीवर हो जाएगा। तो ये देखो दूसरे यूनिट की जो सेटिस्फेक्शन है सिर्फ सेकेंड यूनिट की सेटिस्फेक्शन कितनी है, दैट इज 4। यानी कि सेकेंड यूनिट की जो मार्जिनल यूटिलिटी हो गई, इंडिविजुअल सेकेंड यूनिट की यूटिलिटी क्या हो गई, 4 हो गई। टोटल यूटिलिटी 10 हो गई, 10 क्यों हो गई, क्योंकि देखो 6 पहले यूनिट की यूटिलिटी थी, दूसरे यूनिट की सेटिस्फेक्शन कितनी है, 4 है, तो दोनों यूटिलिटी को कंबाइन कर दिया तो ये हो गई 10। देन तीसरा यूनिट कंज्यूम किया, तीसरा यूनिट कंज्यूम करने से जो सिर्फ थर्ड यूनिट की सेटिस्फेक्शन है दैट इज 2। देखो यूटिलिटी यहाँ पे मजीद जो है वो कम हो गई, क्यों कम हो गई, तो मैंने अभी आपको लॉजिक बताई कि देखो जब कंटिन्यूसली किसी चीज को यूज करते हैं तो सेटिस्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, तो यूटिलिटी हो गई 2। अब वापस देखो टोटल की तरफ, तो पहले दो यूनिट्स की जो सेटिस्फेक्शन थी वो 10 थी, तीसरे यूनिट की सेटिस्फेक्शन जब उसके अंदर एड हो गई तो टोटल यूटिलिटी हो गई 12। फोर्थ यूनिट की सेटिस्फेक्शन 0, मतलब के सिचुएशन ये है कि जो आपने चौथा यूनिट कंज्यूम किया उससे आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, आप पहले जितना सेटिस्फाई थे आप अभी भी उतना ही सेटिस्फाई हो, एंड दैट इज वाई देखो टोटल यूटिलिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आया, और इसी को हमने कहा था पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। देन अगर आप इसके बाद भी कोई यूनिट कंज्यूम करते हो तो उससे अब आपकी जो यूटिलिटी होगी वो नेगेटिव की तरफ जो है वो स्विच हो जाएगी। अगर आपने चौथे यूनिट का पांचवा यूनिट कंज्यूम किया तो अब आप जो आपकी सेटिस्फेक्शन का पॉइंट था उसके बाद अगर आप कोई चीज कंज्यूम कर रहे हो तो अब आपकी ओवर कंजम्पशन हो रही है जिससे आपकी यूटिलिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, या आपकी नेगेटिव यूटिलिटी जो कि अब टोटल यूटिलिटी को भी क्या कर रही है, रिवर्स लेके आ रही है। मजीद अगर आपने यूनिट कंज्यूम किया तो मजीद आपकी यूटिलिटी नेगेटिव हो गई और आपकी टोटल यूटिलिटी और मजीद जो है वो डिक्रीज हो गई। अब तमाम जो एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए थे इंडिविजुअली, उन तमाम एस्पेक्ट्स को देखो, तो मैंने कहा था कि जो सबसे पहले यूनिट की सेटिस्फेक्शन है उसको हम कहते हैं इनिशियल यूटिलिटी, मतलब कि ये कौन सा केस हो गया, इनिशियल यूटिलिटी का केस हो गया। देन ये दोनों के दोनों आपकी पॉजिटिव यूटिलिटी, ये आपकी जीरो यूटिलिटी हो गई, और ये आपकी हो गई नेगेटिव यूटिलिटी। इसके अलावा दो नाम और लिखे थे हमने जो कि थे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, हर इंडिविजुअल यूनिट की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से ये मार्जिनल यूटिलिटी शामिल है और ये आपकी टोटल यूटिलिटी भी आपके सामने मौजूद है। ये सारे एस्पेक्ट्स आपके एक्सप्लेन हो गए विद द हेल्प ऑफ टेबल, नाउ द सेम टेबल विल बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। अब इसी टेबल को मैं ग्राफ के में जो है वो कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ग्राफ की तरफ देखो, तो अब इस ग्राफ में सबसे पहली चीज जो ऑब्जर्व करने की है दैट इज यूनिट्स विल बी शोन ऑन द एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे मैंने टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी को प्लॉट किया है। ठीक है, आपके सामने इस वक्त यूनिट्स को मैंने जैसे एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया तो 1 से लेके 6 तक यहां पे सारी वैल्यूज मौजूद है, टेबल में भी देखो 1 से लेके 6 तक आपके पास वैल्यूज है। देन आपके पास टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यूज है, आप जानते हो सबके सब कि ये आपकी वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड होती है और ये आपकी वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड होती है। इक्वल डिस्टेंस के साथ मैंने वैल्यूज को प्लॉट किया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, और जितना गैप 0 से 2 का है उतना गैप 0 से -2 का और -4 का रहेगा। देन इसके बाद आप टेबल की मदद से यहां पे वैल्यूज को ज्वाइन करते आओगे, या तो पहले सिर्फ टोटल यूटिलिटी प्लॉट करो या पहले सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी प्लॉट करो, दोनों को एक साथ प्लॉट नहीं करना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टोटल यूटिलिटी, पहले देखो टोटल यूटिलिटी की वैल्यूज को प्लॉट कर रहे हैं, नाउ लुक एट दैट, आपके पास पहली वैल्यू जो है यूनिट नंबर 1 की दैट इज 6, तो मैंने 1 को जो है 6 से ज्वाइन कर दिया है, 1 को जो है 6 से ज्वाइन किया, मुझे एक पॉइंट मिल गया। देन इसके बाद सेकेंड यूनिट की वैल्यू देखो तो टोटल यूटिलिटी वैल्यू है 10, 2 को जाके हमने ज्वाइन किया 10 से, थर्ड को देखो तो 3 पे आ रही है वैल्यू 12, 3 पे आपकी वैल्यू आ गई 12, 4 को देखो तो 4 पे भी आपकी वैल्यू 12 मौजूद है, हमने 4 को भी 12 से ज्वाइन किया,
5 once again 10 से join हो रहा है, तो देखो मैंने 5 को 10 से join किया और 6 जो है उसके ऊपर total utility की value आ रही है 6, तो मैंने 6 को जो है वो 6 से ही join किया. By joining all the points मेरे पास एक curve बन रहा है जो पहले upward जा रहा था, फिर एक point पे constant हुआ और इसके बाद downward होना शुरू हुआ. इसको curve को मैंने नाम दे दिया TU यानी के total utility. total utility का curve आपके पास complete हुआ, then इसके बाद अब आप जो है इसके ऊपर marginal utility का curve जो है वो plot करोगे. मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि different color से marginal utility की values को जो है वो मैं plot करूं ताकि आपको difference समझ में आए. अब आप देखो marginal utility की values को, तो पहले unit पे जो marginal utility है that is 6, 1 को 6 से join करने की जरूरत नहीं है, ये point हमारे पास पहले से मौजूद था. सेकंड यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी देखो 4, तो 2 को मैंने 4 से ज्वाइन किया. 3 पे देखो तो 2 है, 3 को देखो 2 से ज्वाइन किया. 4 पे है 0, 0 वैल्यू प्लॉट करने की जरूरत नहीं होती, जो हमारी x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन होती है जीरो लाइंस होती है, तो 4 पे 0 यानी कि एग्जैक्टली पॉइंट पे प्लॉट कर दिया. 5 पे -2, मैंने अभी आपको पहले ही कहा कि जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं उनको हम लोग नीचे की तरफ शो कर रहे हैं, तो 5 को मैंने -2 से ज्वाइन किया और 6 को मैंने -4 से ज्वाइन किया. ये एक स्ट्रेट कर्व बन रहा है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड. क्यों स्ट्रेट और लेफ्ट टू डाउनवर्ड है, क्योंकि देखो एक बात के ये वैल्यूज डिक्रीजिंग पैटर्न शो कर रही है कि वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होती चली आ रही है. सेकेंडली के एक कॉन्स्टेंट रेट से वैल्यूज कम होती जा रही है, दैट इज वाई ये कर्व जो है वो स्ट्रेट डाउनवर्ड है. अब आपके सामने पूरा ग्राफ मौजूद है जो कि टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का है. तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका कंप्लीट हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी आपके इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर था. ठीक है, आई होप कि आपको इस टॉपिक में अब कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी. एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो जरूरी है, आपको वीडियो पसंद आई है इंशाल्लाह इस तरह के और भी बहुत सारे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे. सिर्फ एक काम आपने करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे. आप अपना फीडबैक देते रहिए, इंशाल्लाह हम आपके लिए इस तरह मजीद लेक्चर जो है वो लाते रहेंगे. अल्लाह हाफिज़.